नमस्कार भाइयों, आज मैं आपको एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर भटिंडा के बारे में बताऊंगा, जो भारत देश के पंजाब राज्य में स्थित है। इस वीडियो में भटिंडा की 6 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा, जो भटिंडा में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली जगह है, जहां टूरिस्ट का साल भर आना जाना लगा रहता है। यहां आप कैसे पहुँचें, कहाँ घूमें, कैसे घूमें, इन सभी की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, इसलिए मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए मेरे साथ जानें भटिंडा के टॉप जगहों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भटिंडा कैसे पहुँचें। भटिंडा आप यातायात के तीनों मार्गों से पहुँच सकते हैं। भटिंडा के नज़दीकी हवाई अड्डा है, वह है लुधियाना एयरपोर्ट। रेल सेवा के लिए आप भटिंडा रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। अगर आप चाहें तो सड़क मार्ग द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। भटिंडा के आसपास शहरों से सड़क मार्ग अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भटिंडा आप दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन और दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से रोडवेज बसें या प्राइवेट बसों के द्वारा भी आप डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हो। यहां कैसे घूमें? यहां आप भटिंडा के लोकल टेम्पू, ऑटो, बैटरी रिक्शा के माध्यम से यहां के सभी प्लेसेस को घूमा जा सकता है। जिन जगहों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये सारी जगह भटिंडा रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। आप इन जगहों को एक दिन में बहुत ही आसानी से घूम सकते हो। इसके अलावा भटिंडा में और भी जगहें हैं घूमने के लिए। दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा, आप भटिंडा आएँ तो 2 दिन का ट्रिप प्लान बनाकर ही आएँ। भटिंडा पंजाब का एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर शहर है। ये है दोस्तों किला मुबारक। ये यहाँ के मुख्य आकर्षण और खास पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे भटिंडा का किला भी कहा जाता है। इस किले में भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को हराया गया था और यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था। यह भटिंडा का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्थान है। ये किला भटिंडा शहर की शान है। यहाँ रहने की बात करें तो दोस्तों, आपको किला मुबारक के बाहर ही आपको रहने के लिए 1000 से 900 रुपये के बजट में आपको अच्छे से अच्छा रूम उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए मार्केट और खाने पीने के लिए अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पर पर्याप्त हैं। और ये किला दोस्तों इंडिया का सबसे पुराना किला है। इस किले के टॉप पर 2 गुरुद्वारे हैं। यहाँ पर आप गुरु जी के दर्शन कर लंगर भी कर सकते हैं। यहाँ पर लंगर प्रसाद के रूप में बढ़ता है, आप यहाँ पे लंगर भी कर सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ किसी भी समय आएँ, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात्रि के 10 बजे तक खुला रहता है। ये है हमारा दूसरा स्थान, मित्तल मॉल। ये मॉल भटिंडा के सबसे अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में से एक है। यहाँ स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी यहाँ घूमने आते हैं। इस मॉल में कई ब्रांडेड शॉपें हैं, जहाँ पर आप ब्रांडेड कपड़े, शूज़ और भी कई चीज़ें खरीद सकते हैं। इस मॉल के टॉप फ्लोर पर फूड हॉल है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली दोस्तों के साथ आराम से बैठकर खाना पीना कर सकते हो। दोस्तों, हमारा तीसरा स्थान है रोज़ गार्डन। ये रोज़ गार्डन मित्तल मॉल से 500 मीटर की दूरी पर है। इस गार्डन में आपको गुलाब के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के गुलाब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस पार्क में आप अपनी फैमिली, दोस्तों और पार्टनर के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ बगीचे फूलों के आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। दोस्तों, इस गार्डन की मनमोहक सुंदरता में यकीनन आप खो जाएंगे। हमारा चौथा स्थान है जोगर्स गार्डन। ये गार्डन रोज़ गार्डन से 200 मीटर की दूरी पर है। ये भटिंडा का सबसे फेमस गार्डन है।
सुबह और शाम को इस गार्डन में बहुत ही अच्छा माहौल रहता है दोस्तों। इस गार्डन में आप जॉगिंग और साइकिलिंग और भी कई सारी एक्टिविटी कर सकते हो दोस्तों। ये गार्डन सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। हमारा 5वां स्थान है भाई कन्हैया चौक। ये चौक जॉगर्स गार्डन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको बठिंडा के थर्मल पावर स्टेशन का बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पर आप फोटोग्राफी अपनी सेल्फी पिक ले सकते हो। हमारा 6ठा स्थान है बठिंडा झील। ये झील बठिंडा की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ पर लोग शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल सुकून से बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ झील 3 लेक 3 में यहाँ पर बोटिंग भी होती है दोस्तों। यहाँ पर कई प्रकार के बोट हैं जिसमें आप बोटिंग कर सकते हो और वाटर स्कूटर के मज़े ले सकते हो। यहाँ पर हर बोट का अलग अलग चार्ज है दोस्तों। जैसे पैडल बोटिंग का 100 रुपीज़ पर पर्सन, मोटर स्पीड बाइक का 600 रुपीज़ पर पर्सन, नॉर्मल मोटर बोट का 250 रुपीज़ पर पर्सन। हर बोट के अलग अलग चार्जेस हैं दोस्तों। आप यहां पे बोटिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हो। यहां पर शाम को लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है दोस्तों। यहां पर शाम को बहुत क्राउड होता है, लोग झील किनारे शेयर करने के लिए आते हैं। लेक 3 झील जहाँ बोटिंग होती है, यह कन्हैया चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों ये थे बठिंडा के बेस्ट प्लेसेस। और दोस्तों जिसे मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्त। बाय बाय, फिर मिलेंगे।